सो डियर फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट हमारे लिए होने वाला है बिकॉज एग्जामिनेशन का जो ट्रेंड चल पड़ा है उसमें अब ये सिंपल स्टडी शायद अब काम वाली नहीं है और YouTube पे बहुत कम लेक्चर्स जो हैं वो बहुत डिटेल में और इन डेप्थ कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी को लेकर के बहुत कम हमारे को देखने को मिलते हैं तो अगर हम कंटेम्प्रेरी थ्योरी की बात करें तो जिस ढंग से हम कंटेप्रेरी थ्योरी को पढ़ेंगे लगभग इसकी 20 से 25 क्लासेस होंगी टोटल जिसका ड्यूरेशन 40 से 45 मिनट पर क्लास का होगा और यूट्यूब पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप सबके लिए अवेलेबल रहेंगी तो रिक्वेस्ट ये है मेरे दोस्तों सभी से कि वर... और ठीक है सो थोड़ा सा टेक्निकल एरर है उसके लिए माफी चाहता हूं हम आ, कंटैप्रेरी पॉलिटिकल था बहुत सिंपल सा फंडा है जानिए ये क्या होता है कैसे इसकी ग्रो हुआ क्या इसके पीछे की कहानी है और कंटेम्प्रेरी वर्ड क्यों यूज किया जा रहा है क्या ऐसा है जिसके पीछे ये शब्द लगाया जाता है कि जी कंटेप्रेरी है कंटेप्रेरी का बहुत सीधा सीधा सा मतलब होता है कंटेम्प्रेरी का मतलब है जो तात्कालिक है जो वर्तमान है जो अभी चल रहा है यानी जो रीसेंट ता, जो टाइमिंग से जो मिलता जुलता है रीसेंट टाइमिंग के आसपास की थ्योरीज हैं उसे हम कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं तो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी के कुछ सवाल हमारे को बनाने पड़ेंगे पहला सवाल हम लोगों के लिए निकल के आएगा कि सर वेरी पॉलिटिकल थ्योरी तो कंटेप्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी तक पहुंचे हैं। उसके पहले हमारे को एक शब्द को पकड़ना पड़ेगा वो है पॉलिटिकल थ्योरी अब पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है अगर पॉलिटिकल थ्योरी पता है तो हम पॉलिटिक कंटेप्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी को भी समझ पाएंगे तो व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी अब पॉलिटिकल थ्योरी की मैं व्याख्या करूं तो उसमें भी हमारे को दो शब्द देखने को मिलते हैं एक है पॉलिटिकल दूसरा है थ्योरी तो पॉलिटिकल के बहुत सीधे और सरल मायने होते हैं तो सबसे पहला हम क्वेश्चन मार्क एक यहां लगा देंगे एक क्वेश्चन मार्क हम यहां लगा देंगे जब ये दोनों क्वेश्चन मार्क का आंसर हमें मिल जाएगा तो हम ये मान लेंगे हाँ सर ये पॉलिटिकल थ्योरी होती है आप लोगों से रिक्वेस्ट मेरी बस इतनी रहेगी कि एक पेपर पेन अपने साथ में जरूर रखें और मानस पे वो पढ़ाई पढ़िए जो सफलता की तरफ आपको लेकर जाएगी तो यहां पर मुद्दा क्या है तो पॉलिटिकल थ्योरी को अगर हम देख रहे हैं तो सबसे पहले ये पॉलिटिकल वर्ड को समझिए फिर पॉलिटिकल थ्योरी को समझिए और उसके बाद में उस कंटेम्प्रेरी पे आएंगे कि उसके पीछे की कहानी क्या बनती है तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें एक वर्ड आता है पॉलिटिक्स या इसे हिंदी में कहते हैं राजनीति पॉलिटिक्स से ही वर्ड बना है पॉलिटिकल या राजनीतिक यानी जब हम इसको अप्लाई कर देते हैं तो यह शब्द तैयार होता है तो पॉलिटिकल का बेसिक वर्ड कौन सा है पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स मतलब राजनीति अब बात यह है कि सर ये राजनीति आखिर में किस चिड़िया का नाम है राजनीति हम किसे कहेंगे तो बात को समझिए जब हम एक आदिवासी अवस्था में रहा करते थे जब हम एक प्रिमेटिव सोसाइटी में रहा करते थे तो इस प्रिमेटिव सोसाइटी में या आदिवासी समाज में एक ऐसी चलन चल पड़ा था कि भाई हम सेपरेट सेपरेट सभी लोग रह रहे हैं एक मिनट कुछ कमेंट्स हैं तो जब सभी लोग सेपरेट रहते थे तो धीरे धीरे क्या हो गया कि हम लोगों को खतरा महसूस होने लगा जैसे आदमी जब तक एक अविकसित अवस्था में 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 था एक में था में था एक कंडीशन कंडीशन तो होता क्या था उसे लगता था कि ठीक है भाई मुझे एक गुफा मिल गई वहां मैं सो जाता हूं मुझे पेड़ से फल मिले या कोई जानवर मिला उसको खा लिया पेट भर गया तो सिंपल वो सिर्फ अपनी बेसिक नीड पे चलता था लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो हुई ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो हुई तो ग्रोथ होने से क्या होता है देखो आखिर में बात अगर हम ह्यूमन की करें मानव की करें तो ह्यूमन के लिए वर्ड यूज किया जाता है कि भाई ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल मेरी बात को समझेगा ह्यूमन के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है सोशल एनिमल सोशल एनिमल मतलब इसको हिंदी में कहेंगे सामाजिक प्राणी देखिए ये जो क्लास में आप लोगों के लिए ले रहा हूं ना ये क्लास इतने इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि वो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक जो बहुत टिपिकल है उनको मैं बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझा दूंगा कि आप फिर चाहे कोई भी किताब उठा के पढ़ लीजिए आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे मेरा आपसे प्रॉमिस है अब बात को आप थोड़ा सा यहां पे समझिए साउंड कम आ रहा है क्या साउंड का इश्यू है कमेंट करके बताइए वेट कर रहा हूं फिर तो कुछ चेंजेस वगैरह करने की कोशिश करें इसमें इफ देयर एनी साउंड इश्यू कोई इश्यू है क्या साउंड का नहीं है यार प्लीज थोड़ा सा क्लास को अपनी स्मूथनेस में चलने दीजिए है ना अगर जब तो प्रॉब्लम नहीं हो तब तक उसको आइडेंटिफाई वे मतलब मत करो अब थोड़ा ध्यान से सुनो मानव क्या है सामाजिक प्राणी है ये तो हम सभी जानते हैं तो जैसे-जैसे उस प्रिमिटिव सोसाइटी में हम रहते तो थे अलग रहते थे यानी किसी से कोई मिलना जुलना नहीं था लेकिन जैसे-जैसे हमारा ह्यूमन जो था वो इंडिविजुअल्स है यानी वो एक अकेले पन से जब आगे बढ़ा तो उसने एक नई संस्था का एक नए इंस्टीट्यूशन को बिल्ड किया इसको नाम क्या दिया जाता है फैमिली या परिवार यह सुनो भाई मानव अकेला रहता था अकेला रहते रहते वही चीज सामने क्या आई आ, क्या सामने आया वही बात कहलाने लगी कि भाई ये आ, समाज एक तरह से अकेले से वो परिवार में आ गया और यही फैमिली का इंस्टीट्यूशन आगे चल के जिसमें कन्वर्ट हुआ उसे हम क्या कहते हैं सोसाइटी उसे ही हमने क्या कहा समाज चलिए जी धीरे धीरे ये जो क्या ग्रोथ है किस ढंग से ग्रोथ होती है ये हमें समझ में आ गई और ये परिवार जो है ये ही व्यक्ति जो था ये व्यक्ति परिवार में आया परिवार से ही इसका क्या निर्माण हो गया इसके समाज का निर्माण हो गया अब मुद्दा यह है कि एक मिनट होल्ड करें प्लीज देखिए अब प्रॉब्लम नहीं आएगी मुझे लगता है तो ये मानव ने क्या किसका निर्माण कर लिया सर मानव ने समाज का निर्माण कर लिया सोसाइटी को उसने बिल्ड कर लिया अब बात यह है कि जब ह्यूमन की सोसाइटी बनी तो इस सोसाइटी को चलाने के लिए इस समाज को मेंटेन करने के लिए आप मुझे बताइए कोई रूल एंड रेगुलेशन चाहिए होंगे कि नहीं चाहिए होंगे इस समाज को क्या करना था मैनेज करना था इसका प्रबंधन करना था अब जब इस सोसाइटी को आप जब मैनेज करोगे प्रबंध करोगे तो इसी को प्रबंध करने के लिए आपको क्या बनाने पड़ेंगे रूल बनाने पड़ेंगे आपको लॉ बनाने पड़ेंगे अब बात ये है कि इस सोसाइटी में जो लोग रहते थे क्या उनके व्यूज एक जैसे थे क्या सभी लोगों के समाज के लोगों के सोच विचार करने का तरीका क्या एक जैसा होता है मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है अब अलग अलग विचार के लोग सोसाइटी में थे तो थोड़ा ध्यान से समझना अलग अलग विचार के लोग पीपल ऑफ डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट और आइडियोलॉजी अलग अलग विचार के लोग थे अब जब ये विचारधारा अलग अलग है आपकी और मेरे व्यू में डिफरेंस है तो इस डिफरेंस को तो खत्म करना ही पड़ेगा अगर हमारे में डिफरेंस बरकरार रह गए तो क्या हम किसी एक कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे आप कहेंगे सर डिफरेंस होंगे तो कंक्लूजन कैसे होगा तो जब समझो ये अलग अलग विचार यानी डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी डिफरेंट डिफरेंट माइंड के लोग जब एक जगह इकट्ठा होना शुरू हुए तो क्या हो गया इनके अंदर हमारे को क्या लानी थी इनके अंदर हमारे को एक यूनिटी डेवलप करनी थी हमको इनके अंदर एक विचारधारा में इक्वालिटी लेके आनी थी अब मेरी बात को समझना कि सोसाइटी को मैनेज करने के लिए रूल एंड लॉ बनाने के लिए सहमति तो चाहिए कंसेंट तो चाहिए तो ये अलग अलग विचार के लोगों को एक रूल पे एग्री करने के लिए एग्री करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी सर पॉलिटिक्स की जरूरत पड़ी और इसी पॉलिटिक्स से किसका निर्माण हुआ रूल एंड लॉ का निर्माण हुआ अब आपको अगर मैं बहुत और बेसिक करूं चीजों को तो आप इसको यूं समझो कि जब सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट व्यू होते हैं और डिफरेंट व्यू में से किसी एक चीज को यूनैनिमसली लिया जाता है या उसके लिए सहमति बनाई जाती है उसे ही हम पॉलिटिक्स या राजनीति कहते हैं अब मेरी बात ये दूसरा पक्ष को कैसे समझेंगे आप एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं मान लीजिए कि आ, किसी गांव में एक हजार लोग रहते हैं और एक मुद्दा आया कि भाई गांव में हमें सड़क बनानी है अब सड़क सीमेंट uh, कंक्रीट की बनेगी या डामर की बनेगी एक विषय बना अब जब दोस्तों ये हजार लोगों के अंदर ये कहा गया कि भाई बताइए आप क्या चाहते हैं डामर की सड़क बनाना चाहते हैं या सीमेंट कंक्रीट की सड़क बनाना चाहते हैं अब होता क्या है कि एक हजार लोगों में से एक हजार लोगों ने कह दिया जी हम तो सीसी सड़क बनाएंगे सीमेंट कंक्रीट की सड़क बनाएंगे अब तो विचार में कोई विवाद है क्या विवाद है नहीं तो यहां पे राजनीति भी नहीं होगी पॉलिटिक्स यहां पे नहीं कहा जाएगा भी हजार लोगों ने मिलकर क्योंकि सहमति है विरोध नहीं है विरोधी विचार होना जरूरी है लेकिन वहीं पे ये विचार आए कि भाई जो आपकी सरकार है सरकार चाहती है सीसी -सी सड़क बनाना लेकिन 400 लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि भाई सड़क डामर की बने अब इन चार लोगों को कन्विंस करने की जो कोशिश है वही राजनीति कहलाती है तो राजनीति का जन्म कहां हुआ पॉलिटिक्स का जन्म होता है कि विरोधी विचारों से विरोधी विचारों को उनमें से एक निष्कर्ष निकालने का जो तरीका है लोकसभा में क्या होता है कांग्रेस है बीजेपी है सीपीआई है एनसीपी है बसपा है आम आदमी पार्टी है आरएलपी है मल्टीपल पार्टीज आर देयर दे हैव डिफरेंट डिफरेंट व्यूज ऑन डिफरेंट डिफरेंट परसपेक्टिव उनके परस्पेक्टिव भी अलग है व्यूज भी अलग हैं सब कुछ अलग है लेकिन गवर्नमेंट क्या कोशिश करती है कि कैसे भी करके हमारे पक्ष में बहुमत की वोटिंग कराई जाए एक सहमति का निर्माण किया जाए तो उस सहमति के निर्माण की उस एक कॉमन कंसेंस को डेवलप करने की जो कोशिश है दैट थिंग इज नॉन एज पॉलिटिक्स तो हम जब बोलते हैं ना कि यार ये कोई आदमी है उसको उनको पता है कि यार एक व्यू के ऊपर लोग एक नहीं हो सकते लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी बातों को सब मान लेते हैं तो लोग क्या कहते हैं यार ये बहुत तगड़ी राजनीति करता है ये आदमी इस आदमी की राजनीति बहुत तगड़ी है यार ये बहुत पॉलिटिक्स करता है, है, है। पॉलिटिक्स मतलब वो विरोधी विचारों में भी अपने विचार का झंडा बुलंद कर देता है यही क्या कहलाती है पॉलिटिक्स तो सिंपल मीनिंग में अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं पॉलिटिक्स का जन्म कहां होगा डिफरेंसेस में यानी डिफरेंसेस uh, का मतलब समझ लो विरोधी विचारों के बीच में ही किसका जन्म होता है राजनीति का अगर विचारों में विरोधाभास नहीं है तो राजनीति कैसे आज किसी मुद्दे पे कांग्रेस बीजेपी पूरी 360 डिग्री जितनी पॉलिटिकल पार्टी है सारी एक हो जाए तो क्या वहां पॉलिटिक्स होगी नहीं होगी फिर कुछ और होगा है ना उसको पॉलिटिक्स का नाम नहीं लेंगे तो पॉलिटिक्स का सीधा मतलब है विरोधी विचारों से एक निष्कर्ष तक पहुंचने की कला अब सर हुआ क्या जब हम सोसाइटी बना लिए सोसाइटी को मैनेज करने के लिए क्या चाहिए थे लॉस चाहिए थे या इसको हम रूल कह लें लॉ कह लें और ऐसा तो नहीं है कि पूरी सोसाइटी में सब लोगों के विचार एक जैसे थे अलग अलग विचारधारा के लोग थे तो उनको एक करने के लिए किसका जन्म हुआ मेरे दोस्तों यहां पर जन्म होता है पॉलिटिक्स का पॉलिटिक्स का अब आप एक बात बताइए ये जो रूल एंड लॉ है इनको अप्लाई कौन करेगा इसको एग्जीक्यूट कौन करेगा इसको एग्जीक्यूट करने का काम करेगी गवर्नमेंट yes no? सरकार अब सरकार के पास में ऐसी कौन सी शक्ति है कि वो सरकार ही करेगी आप और मैं क्यों नहीं करेंगे चलिए यहां पे आपकी सहूलत के लिए मैं इसे सरकार शब्द को भी हटा देता हूं फिर मैं एक शब्द लिखता हूं सत्ता भाई लागू करने का काम सत्ता या अथॉरिटी का होगा ये yes सुनो no? किसी भी कानून को कौन लागू करता है पहले राजा अथॉरिटी होता था फ्यूडल सामंत एक अथॉरिटी होता था पोप यानी चर्च का जो पादरी है वो एक अथॉरिटी होता था अथॉरिटी को ही गांव में सरपंच एक अथॉरिटी है वार्ड पंच एक अथॉरिटी है एमएलए अथॉरिटी है प्रधानमंत्री एक अथॉरिटी है अथॉरिटी मतलब सत्ता जिसके पास में सत्ता होती है वो ही लागू करेगा तो जो ये सत्ता है बेसिकली जो अथॉरिटी है इसी अथॉरिटी यानी पॉलिटिक्स से ही होगा अब ये पॉलिटिक्स कौन करेगा सत्ता अथॉरिटी का, का काम होता है पॉलिटिक्स करना बिकॉज़ वो उसको उसको एक करेगी फिर उसको लागू करेगी तो यहां पर राजनीति का जन्म जो हुआ राजनीति किसके आसपास में घूमेगी हमेशा सत्ता के आसपास में आप और मैं क्या राजनीति करेंगे मान लीजिए आप यूनिवर्सिटी में हैं यूनिवर्सिटी में आप पॉलिटिक्स तो, में जुड़ गए सारे स्टूडेंट यूनियन में आ गए तो आपको अगर प्रेसिडेंट बनना है तो आप क्या चाह रहे हैं आप सत्ता चाह रहे हैं इसके लिए आप क्या करेंगे पॉलिटिक्स करेंगे क्यों जिससे कि आप रूल एंड लॉ बनाने की कंडीशन में आए आप स्टूडेंट के इंटरेस्ट में कुछ कर पाए और उससे इंपैक्ट कौन होगी आपकी यूनिवर्सिटी यानी आपकी सोसाइटी तो सोसाइटी सोसाइटी में रूल एंड रेगुलेशन चाहिए थे इसलिए पॉलिटिक्स आई पॉलिटिक्स से कानून निर्माण हुए और जो उसको लागू करता है वो लागू करने वाला कोई और नहीं बल्कि अथॉरिटी होता है अथॉरिटी को हम आज की डेफिनेशन में गवर्नमेंट कह देते हैं पहले यही कौन था यही किंग था यही फ्यूडल था यही पोप था जिसके पास में भी सत्ता हो जाए वही बात हो गई अब मुद्दा क्या आता है मुद्दा यह आता है कि सर जो सत्ता होती है यानी जो अथॉरिटी होती है जो ये अथॉरिटी है ये अथॉरिटी दो तरह की होती है एक लेजिटिमेट अथॉरिटी एक इन लेजिटिमेट अथॉरिटी एक वैध सत्ता एक अवैध सत्ता मतलब जिस सत्ता के पास में अथॉरिटी के पास में यानी वैधता प्राप्त है वैधता लेजिटिमेसी कहां से आती है सोसाइटी से समाज के लोग अगर हम मानते हैं जी कि इसके पास में सत्ता है हम चाहक हमने हमारे अधिकार इसको दे दिए वो तो वैध सत्ता एक होती अवैध सत्ता जैसे आप एक बस में सफर कर रहे हैं मेरे एक एक एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से लीजिएगा सर एक एक, 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 एक को बहुत ध्यान से समझना आप एक बस में सफर कर रहे हैं बस के सफर में एक आदमी चढ़ता है ठीक है उस आदमी के हाथ में होती है एके फोर्टी सेवन और आपको मालूम चलता है कि यार ये एके फोर्टी सेवन लेके क्यों चढ़ा भाई आपके मन में खौफ आ जाएगा हाथ में पिस्टल एक लड़के के खड़ा है बस में चढ़ गया बोल रहा साइड में हटो आप भाई अपनी सीट दे दोगे उसको भाई तू आप बैठ आपके हजार तकलीफ होगी लेकिन आप उसको हट जाओ आप उसका कहना मान लेंगे इसका मतलब उसके पास में क्या है वहां पे सत्ता है सत्ता किसके आधार पर आती है पावर से पावर है उसके पास में पर पावर उसका लेजिटिमेट है क्या नहीं है इसलिए आपके मन में डर है लेकिन वहीं पे अगर एक फौजी या कोई पुलिस वाला या एक गवर्नमेंट कंसर्न पर्सन सिक्योरिटी फोर्सेस से आता है उसके हाथ में फोर्टी सेवन होती है तो आप एक तसल्ली की सांस लेते हो कि भाई सफर बड़ा आसान जाएगा कोई लूट मार का झंझट तो इस बस में नहीं होगा क्योंकि यहां पे एक फौजी बैठा है फौजी क्यों फौजी के पास में पावर है

तो यहां पर वैधता जब प्राप्त हुई अथॉरिटी को वैधता मिलना बहुत जरूरी है तो कुल मिलाकर के हम कहां आ गए हमने सर पॉलिटिक्स को समझ लिया तो पॉलिटिक्स में जो एक्टिविटी होती है पॉलिटिक्स से रिलेटेड एक्टिविटी भी छोड़ो पॉलिटिक्स से रिलेटेड सभी चीजें जो चीज पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो वो क्या कहलाएगी पॉलिटिकल राजनीतिक उम्मीद है पॉइंट क्लियर हो रहा होगा पॉलिटिक्स से रिलेटेड हर एक चीज क्या कहलाती है पॉलिटिकल तो पॉलिटिकल यानी पॉलिटिक्स से रिलेटेड पॉलिटिकल हो गया और इसी पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो थ्योरीज हैं तो ये क्या कहलाती है सर पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि शक्ति सत्ता वैधता का यूज कैसे होगा राज्य क्या काम करेगा गवर्नमेंट के क्या ड्यूटीज होंगी पब्लिक कैसे चलेगी पब्लिक कैसे डील होगी पब्लिक के क्या राइट्स होंगे गवर्नमेंट के क्या अधिकार होंगे यानी गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच के रिलेशन को आइडेंटिफाई करना क्या वो मजबूत होंगे या सत्ता ज्यादा पावरफुल होगी क्या डेमोक्रेसी होगी क्या मोनार्किज्म होगा क्या होगा कैसा ये रूप होगा तो कुल मिला करके एक तरह से पब्लिक और ऐसा कुछ डायग्राम बनाना और अथॉरिटी इनके इस बीच के संबंध को ही जानने के लिए अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग विचार दे दिए उनकी नजर में प्लेटो आया प्लेटो ने समाज को एक अलग ढंग से देखा प्लेटो ने कहा जी कि नहीं हर इंडिविजुअल की एक अपनी क्वालिटी है इंडिविजुअल को अपनी क्वालिटी के हिसाब से चलना चाहिए किसी ने कहा कि भाई नहीं ये तो है जो ये तो बड़ा स्पिरिट वाला आदमी है इसमें तो जोश और जुनून है तो प्लेटो कहता भैया तुम्हें फौजी हो जाना चाहिए तुम लड़ो तुम सेना में जाओ कोई कहा कि नहीं जी ये तो बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है इसकी फिलोसॉफिकल पर्सन इसको मैथ बहुत अच्छा आता है ये रूल rule बहुत अच्छा तो भैया है तो, तो, तो प्लेटो बोलता है, कि है तुम, 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 तुम बिजनेस करो तो इस ढंग से समाज कैसा होगा समाज में शिक्षा कैसे दी जाएगी जो भी चीजें बनेंगी ये पब्लिक और अथॉरिटी के बीच के संबंध कैसे होंगे यानी हाउ इसको आप लिख लो वट वेयर इन सारे सवालों के जवाब आपको ढूंढने होते हैं जनता और सत्ता के जनता प्रजा और सत्ता के संबंधों में आपको ये चीजें तलाशनी पड़ेंगी तो प्रजा और सत्ता के संबंध आखिर में काम कैसे कर रहे हैं उसको बताने का काम कौन करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी मेरे दोस्तों ये काम करती है ठीक है अब थोड़ा सा ये तो हुई हमने बहुत बेसिक बेसिक बातें कर ली मुझे उम्मीद है यहां तक समझ में शायद आ गया होगा इफ एवरीथिंग इज क्लियर टू यू प्लीज टेल लेट मी नो मुझे बताइए कमेंट करके यहां तक का समझ आ गया क्या ये बेसिक बेसिक बात है कि कैसे राज्य बना कैसे समाज का निर्माण हुआ कैसे अथॉरिटी है कैसे सत्ता है ठीक है समझना देखो अंडरस्टैंडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ठीक है यहां पर मैं सिर्फ कुछ लिखूं और उसकी रीडिंग लगा दूं तोते की जैसे आपके किसी काम का नहीं होगा कभी काम का नहीं होगा ठीक है मुद्दा है समझ में आना चाहिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताना अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा no, concrete, जैसे क्या कंक्रीट एक यानी एक उल्टा ट्राइंगल बनाइए सबसे पहले सुपरफिशियल नॉलेज होता है फिर धीरे धीरे ज्ञान को शटल किया जाता है ठीक है ना जिससे आपकी समझ विकसित हो सके आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके अब पॉलिटिकल थ्योरी की बात कर लेते हैं पॉलिटिकल थ्योरी पे आ जाओ सर ये राजनीतिक सिद्धांत को लेकर के सवाल ये बनता है सर व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी आखिर में राजनीतिक सिद्धांत होता क्या है आप राजनीतिक सिद्धांत किसे कहेंगे तो इसकी बहुत सीधी सीधी बात बनती सीधी सीधी डेफिनेशन बनती है कि एक सिस्टमेटिक स्टडी होती है ठीक है पॉलिटिकल थिंक थॉट इज वॉट सिस्टमेटिक स्टडी ये एक क्रमबद्ध अध्ययन है सिस्टेमेटिक स्टडी है अच्छा जी यह क्रमबद्ध अध्ययन अब किसका होगा किसका होगा यह क्रमबद्ध अध्ययन सिंपल है कि इस क्रमबद्ध अध्ययन को किया जाएगा बेसिक दो चीजों के लिए पॉलिटिकल इवेंट के लिए और पॉलिटिकल सिस्टम के लिए किस किस के लिए देखिए पॉलिटिकल इवेंट्स एंड पॉलिटिकल सिस्टम यानी राजनीतिक घटनाओं के लिए और राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए पॉलिटिकल थ्योरी इज व्हाट पॉलिटिकल थ्योरी इज ए सिस्टम है स्टडी फॉर टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल इवेंट्स एंड द पॉलिटिकल सिस्टम तो आपने पॉलिटिकल इवेंट देखे पॉलिटिकल सिस्टम को समझा और इसी चीज से इसी क्रमबद्ध अध्ययन से क्या निकल के आता है भाई किसका अध्ययन करना पॉलिटिकल इवेंट का करना पॉलिटिकल सिस्टम का करना इससे निकल करके क्या आता है स्टडी से निकल के क्या आता है निकल के आता है कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट एंड यानी इससे दो चीजें तैयार होती हैं एक तो अवधारणाओं का जन्म होता है तथा प्रिंसिपल यानी उसे हम कहते हैं हिंदी में सिद्धांत तो इससे दो चीजों का जन्म हुआ एक अवधारणा का एक सिद्धांत का इट्स वेरी क्लियर कोई डाउट नहीं होना चाहिए है ना तो पॉलिटिकल थ्योरी इज वॉट पॉलिटिकल थ्योरी इज ए सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इवेंट एंड पॉलिटिकल सिस्टम राजनीतिक सिद्धांत एक क्रमब अध्ययन है राजनीतिक घटनाओं का राजनीतिक प्रक्रियाओं का जिससे कि हमें क्या प्राप्त होते हैं कॉन्सेप्ट हमें तैयार मिलते हैं और उसके साथ में हमारे प्रिंसिपल यानी सिद्धांतों की प्राप्ति होती है आप मुझे बताइए जैसे बहुत सारे थॉट्स एंड थिंकर्स आपने पढ़े होंगे जैसे आपने एरिस्टोटल पढ़ा प्लेटो पढ़ा मार्क्स पढ़ा सिसरो पढ़ा आपने मल्टीपल थिंकर के बारे में पढ़ा है वो क्या करते हैं वो पॉलिटिकल इवेंट को ही तो समझते हैं कि राजनीतिक घटनाक्रम क्या हो रहा है वो पॉलिटिकल सिस्टम को समझना चाहते हैं उससे वो क्या तैयार करते हैं एक अपना देते हैं अपना प्रिंसिपल देते हैं और इसी कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल के बेस पे हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट अपनी पढ़ाई करना शुरू करते हैं लेकिन फिर क्या होता है फिर याद कीजिए कार्ल मार्क्स के वो प्रिंसिपल को सिंथेसिस एक विचार आता है एक कॉन्सेप्ट आता है इसी कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट में एक नया कॉन्सेप्ट आता है दोनों के अंदर टकरार होती है फिर उससे फिल्टर होकर एक नई चीज हमें प्राप्त हो जाती है तो यही क्या होता है इवोल्यूशन होता है एक क्रमबद्ध तरीके से बढ़ती हुई गति है तो पॉलिटिकल थ्योरी की इस डेफिनेशन को जरूर समझिएगा ये पॉलिटिकल थ्योरी हुई क्या व्यक्ति समाज और किस तरह से इस अथॉरिटी ने यहां पर काम किया तो ये बेसिक बात हमने आपको बताई अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर पॉलिटिक्स यानी अगर मैं राजनीति शब्द की बात करूं दोस्तों बहुत गंभीरता से समझना मेरी बात को इस पॉलिटिक्स वर्ड की अगर मैं बात करता हूं तो मुझे बड़ा गर्व होता है इस बात को कहते हुए कि मैं उस विषय का विद्यार्थी हूं जो कम से कम मिनिमम दो हजार दो हजार कैसे राजनीति बेसिकली कितने साल पहले हम मानते हैं हम मानते हैं अगर दुनिया के बहुत पहले इतिहास को भी लिया जाए तो आप मिनिमम टू मिनिमम चलिए तो, तो पांच हजार साल पहले मिनिमम कितना पुराना इतिहास हो गया इसका भाई जब से सिविलाइजेशन से ही बात कर ले हम तो हम बहुत पीछे क्यों जाएं वरना दसियों हजार साल की भी इसकी उम्र हो सकती है कि समाज का एक होना और समाज में मतांतर यानी डिफरेंट डिफरेंट व्यूज को एक बनाने के लिए लोगों को एक जैसी सोच पे मजबूर करने के लिए जो काम होना शुरू हुआ पांच हजार साल पहले तो हो गया होगा लेकिन उस पांच हजार साल के इतिहास में ये जो फाइव थाउजेंड की पूरी की पूरी जर्नी रही है इस सब्जेक्ट की इसके अंदर सर धीरे धीरे विकास होता गया इसका इवोल्यूशन हुआ डेवलपमेंट हुआ और अलग अलग कॉन्सेप्ट आते गए अलग अलग प्रिंसिपल आते गए लेकिन अगर मेनली अगर हम देखें तो इस पॉलिटिक्स को फोर्टीन सेंचुरी यानी चौदहवीं शताब्दी तक बात गंभीरता से समझने वाली है इस चौ शताब्दी तक इस पॉलिटिक्स को समझने का जो मोटा बड़ा काम था वो बेसिकली कौन लोग करते थे ये काम किया करते थे यानी ये काम किनके हिस्से गया हुआ था सर दार्शनिकों के हिस्से में ये काम दिया था मेनली आप देखो ना प्लेटो क्या था एक दार्शनिक था एरिस्टोटल क्या था एक दार्शनिक था जेएस मिल को आप दर्शन में पढ़ते हो आप हॉब्स लॉक एंड रूसो को फिलोसफी में पढ़ते हो तो बड़े बड़े जो मेन फिलोसफर्स हैं जो पुराने फिलोसफर्स हैं तो बेसिकली पहले पॉलिटिक्स की स्टडी इस राजनीति को पढ़ने का टेंडर राजनीति को पढ़ने का ठेका जिनके पास में था वो कोई और नहीं कहलाते वो क्या कहलाते हैं वो फिलोसफर्स कहलाते थे लेकिन चौदहवी शताब्दी के बाद में फोर्टीन टू सिक्सटीन सेंचुरी जिसको रेनेसांस पीरियड कहते हैं इसको पुनर्जागरण का काल कहते हैं इस पुनर्जागरण या रेनेसांस पीरियड जो आया इस पीरियड के बाद में इसी पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश अब साइंटिस्ट भी करने लगे यानी इसके बाद में जो पॉलिटिक्स को पढ़ने का ठेका केवल फिलॉसफर्स के पास था अब फिलॉसफर्स के साथ-साथ में साइंटिस्ट यानी अब इसको कौन समझने लगे सर इसके पास में वैज्ञानिक भी आने लगे वैज्ञानिकों ने कहा जी हम भी समझेंगे अब आपके सामने सवाल ये कि साइंटिस्ट किसे कहोगे? साइंटिस्ट क्या लैब में सिर्फ केमिकल एक्सपेरिमेंट करने वाले लोग ही साइंटिस्ट होते हैं क्या नहीं अब मुद्दा नया ये साइंटिस्ट अब पुनर्जागरण के बाद में ने पढ़ना शुरू किया साइंटिस्ट ने तो जब से यहां पे साइंटिस्ट की एंट्री होती है जब से वैज्ञानिक लोग आकर के पढ़ना शुरू करते हैं वहीं से ही इस सब्जेक्ट का नाम पॉलिटिकल साइंस पढ़ता है राजनीति विज्ञान पढ़ता है राजनीति विज्ञान को समझने का क्रम यहां पर शुरू होता है पॉलिटिकल साइंस आप लोगों के सामने आता है तो मुद्दा क्या है <clears throat> uh, मुकेश क्या कह रहे हैं सर जब से सोसाइटी आई तभी से पॉलिटिक का जन्म मान सकते हैं हां समाज के साथ में ही पॉलिटिक्स का जन्म होता है मूल मुद्दा तो यही है तो यहां पर पॉलिटिकल साइंस आ गया आप लोगों के सामने अब थोड़ा ध्यान से समझना देखो हुआ क्या साइंटिस्ट तो साइंस किसे कहोगे जो यूनिवर्सल लॉज आपको दे दे विज्ञान वो है जिसके नियम आपको हमेशा लागू कर सके ठीक है।, है तो यूनिवर्सल लॉज बनाता जिसको नेचुरल साइंस कहते हैं तो वैज्ञानिकों ने कोशिश की कि क्यों ना राजनीति के भी कुछ ऐसे नियमों को ढूंढ लिया जाए उनकी भी ऐसी रिसर्च कर ली जाए जिससे कि हमें मालूम चल सके कि अब आगे क्या होगा प्रिडिक्ट किया जा सके तो ऐसे नियमों की खोज होना शुरू हुई इसलिए इसको पॉलिटिकल साइंस कहा गया इसको तो मैं हटा देता हूं कोई विशेष रोल इसका नहीं होगा चलिए अब थोड़ा सा ध्यान से समझिए यूनिवर्सल लॉस की बात आ गई अब यहां पर हमने पॉलिटिकल साइंस तक का इवोल्यूशन देख लिया प्लस पॉलिटिकल थ्योरी कैसे इमर्ज हुई वो देख लिया अब इसका क्लासिफिकेशन देखो सर पॉलिटिकल थ्योरी ये फ्रेंड्स ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है पॉलिटिकल थ्योरी के दो बड़े हिस्से बन के आते हैं क्योंकि जो थिंकर थे जो विचारक थे उन विचारकों ने जो बहुत पुराने थे तो जैसी जिसकी कंडीशन थी उस कंडीशन में उसने उसको समझना शुरू किया जैसे आज के पहले कम्युनिकेशन के अंदर जिसको हम टेलीग्राफ बोलते हैं टेलीग्राफ का यूज होता था टेलीग्राफ के बाद में जब टेलीफोन आया तो बेसिक फोन हुआ करते थे एस टी का कल्चर हुआ करता था आई कॉल की अलग रेट होती थी उसके बाद मोबाइल आए मोबाइल बड़े बड़े मोबाइल थे फिर उसकी साइज छोटी होती गई फिर कीपैड में भी अलग अलग वर्जन आए फिर टच स्क्रीन फोन आ गए और आज तो पूरा का पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया तो ये एक इवोल्यूशन ही तो है ये एक डेवलपमेंट ही तो है आज आप प्लेटो से कल्पना करेंगे कि वो ढाई तीन हजार साल पहले ये सब बातें बोलता जो आज, आज आप सोचते समझते हो तो वो तो आप लोगों की गलती है हमारी बेईमानी होगी प्लेटो के साथ में ऐसी सोच रखना लेकिन मुद्दा क्या है मुद्दा ये है कि पॉलिटिकल थ्योरी को आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इसके दो हिस्से बन जाते हैं राजनीतिक दर्शन के दो हिस्से बनते हैं एक ट्रेडिशनल इसे कहते हैं परंपरागत एक तो इसका कौन सा व्यू हो गया ट्रेडिशनल अप्रोच परंपरागत दृष्टिकोण है एक है कंटेप्रेरी कंटेप्रेरी कह लो इसे ही आप मॉडर्न कह लो यानी समसामयिक दृष्टिकोण कह लो आधुनिक दृष्टिकोण कह लो जैसी जैसी सोच बनती गई ना दो तरह से क्लासिफाई हमने किया हमारा मुद्दा कहां पे आना है हमें आज इंट्रोडक्शन क्लास ध्यान रखिएगा कल से इसके टॉपिक्स आएंगे तो इंट्रोडक्शन जिसको समझ में आएगा वही टॉपिक्स को गहराई से समझेगा अदरवाइज खेल खत्म है है ना तो यहां पर ये ट्रेडिशनल अप्रोच हुई एक हमारी अप्रोच होती है हमारी जिसको हम कहते हैं मॉडर्न व्यू अब थोड़ा ध्यान से समझे जो ट्रेडिशनल अप्रोच होती है जो परंपरा का दृष्टिकोण है ये परंपरा का दृष्टिकोण ये कंटेम्प्रेरी दृष्टिकोण इनके अंदर मल्टीपल व्यूज हैं मल्टीपल बहुत सारे व्यूज आते हैं जैसे आपके हिस्टोरिक परस्पेक्टिव है हिस्टोरिक के अलावा आपके पास में मतलब प्रिज्मेटिक बहुत सारे हैं। हम हमारा वो चर्चा का विषय ही नहीं है हमें जो चीज को देखना और समझना है वो है कंटेम्प्रेरी व्यू चलिए थोड़ा सा आगे बढ़े और कुछ ध्यान से देखें देखिए तो ये असल के अंदर बात ये है कि फिर ट्रेडिशनल और इसका क्लासिफिकेशन क्यों हुआ मुद्दा तो ये आएगा कि ट्रेडिशनल का और कंटेम्प्रेरी का क्लासिफिकेशन ही क्यों हुआ अब आपको यहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी अपनी बेसिक स्टडी की देखो बहुत सारे विचारक बहुत सारे थिंकर ऐसे थे वो ये बोलते थे कि यार पॉलिटिकल की कोई भी थ्योरी है पॉलिटिक्स की अगर उसको आपको समझना आप चाहते हो तो उसको समझने के लिए मान लीजिए कि जैसे प्लेटो है प्लेटो ने आ, कोई भी क्लासिफिकेशन के जैसे प्लेटो का एजुकेशन सिस्टम हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं प्लेटो का एजुकेशन सिस्टम अब दो तरह के लोग हैं एक ही कहेंगे कि भाई पॉलिटिकल थ्योरी वो होती है जो हमेशा लागू होती रहे टाइम फ्रेम का कोई बाउंडेशन नहीं हो कि जी वो आज के पचास साल पहले के लिए ठीक थी या सौ साल के लिए ठीक थी वो हमेशा चलती रहे जिसको कहते हैं ना कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था जिंदाबाद है जिंदाबाद रहेगा तो थ्योरी जिंदाबाद थी जिंदाबाद है जिंदाबाद रहेगी तो कुछ लोग प्लेटो ने किया कि प्लेटो के, के उस माहौल को देखा और समझा मैंने तो सिस्टम अगर टाइम से बियॉन्ड है यानी किसी कालखंड में ही उसको देखा जाए ऐसा नॉट नेसेसरी मेरी बात को समझना उसको किसी समय की सीमाओं में मत बांधो अगर फिर लागू होता है तो उसको कहो कि ये पॉलिटिकल थ्योरी है और कुछ लोग थे वो बोले बोले यार कैसी बात करते हो अगर आपको प्लेटो के एजुकेशन सिस्टम को समझना है तो इसके कंटेम्प्रे इसके टाइम फ्रेम में जाकर के ही तो चीजों को देखोगे इसका समय कैसा था इसका कालखंड कैसा था उसमें इसने विचार दे दिया तो तभी तो ये लागू होगा आज आप उसको लागू करना चाहोगे तो कैसे होगा तो यही डिबेट है सर कुछ लोग कहते हैं कि अगर कोई कोई आपकी थ्योरी है कोई आपका थॉट है वो यूनिवर्सल होना चाहिए वो लागू हर समय हो तो उसको हम पॉलिटिकल थ्योरी कहेंगे कुछ कहते हैं कि नहीं जी टाइम फ्रेम में जाए बिना उसकी कंटेम्प्रेरी कंडीशन को समझे बिना अगर आप एक्सप्लेन करोगे तो वो कैसे जजमेंट होगा कि यार ये तभी आप इसको जज कर सकते हो ये एक विवाद का विषय बन गया तो समय सीमा को तोड़ने की बात यहां पर आई आगे देखिए कुछ थिंकर्स ये डिबेट ये जो वर्सेस मैंने लिखा है ना वर्सेस क्यों डेवलप हुआ आखिर के अंदर वर्सेस के पीछे का रीजन क्या है यह वर्सेस के पीछे का रीजन यह है कि कुछ लोग कहते थे कि ठीक है टाइम फ्रेम के हिसाब में ही देख लो क्योंकि जैसी जिसकी कंडीशन है वो वैसे ही विचार देगा अगर उस समय लागू हुए तो उसको पॉलिटिकल थ्योरी का हिस्सा मानो कुछ कहते हैं कि भाई ऐसा है पॉलिटिकल थ्योरी का हिस्सा नहीं मानेंगे क्योंकि अगर वो हमारी वर्तमान समस्याओं का समाधान ही नहीं कर रहा तो हमारे लिए वो चीज बेकार है यही मेन विवाद है कंटेप्रेरी थ्योरी में और मॉडर्न ट्रेडिशनल थ्योरी में कट आगे देखो हमने क्या देखा पिछले स्लाइड पे हमारे सामने एक एग्जाम्पल मैंने दिया प्लेटो के एजुकेशन सिस्टम का थोड़ा सा ध्यान से यहां पर एक दूसरा विवाद ये है कि कुछ थिंकर वो ये बोलते हैं कि यार देखो कि एंशेंट पीरियड में और मिडेवल पीरियड में प्राचीन और मध्यकाल में जो थिंकर थे कुछ वो ऐसे वर्ड का यूज करते थे

जिनकी लैंग्वेज यानी जिनकी भाषा और उनके कुछ शब्द यानी उनके वर्ड ऐसे हैं जो राजा से सामंत से चर्च से इनसे बच करके के वो चला करते थे तो ऐसी लैंग्वेज वो लिखते थे कि हाँ भाई राजा भी ठीक ठाक उसको अप्रूव एप, कर दे और जान से ना मार दे तो भाई अब हम क्या करें तो बोला कि इनकी जो शब्द है इनकी जो भाषा है उसको क्या करना पड़ेगा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा समझना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसा क्यों लिखा और ऐसा उसके पीछे के फैक्टर क्या हैं उसके रीजन को तो समझो तो फिर आपको कुछ और समझ में आएगा यानी जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं सिंपल फंडा किसी ने कहा कि आ, आ, रुको मत जाने दो तो उसके दो अर्थ हो सकते हैं ना रुको मत जाने दो या रोको मत जाने दो सिंपल बात है तो वही फंडा है कि अंडरस्टैंड करने की बात आई तो जो परंपरागत थे परंपरागत ने कहा हाँ कि हाँ जी हाँ बिल्कुल ठीक है थिंकर्स ने कहा कि फालतू बात बात नहीं करनी सीधी नो बकवास no आपकी थ्योरी अगर हमारे समझ में आती है हमारे काम में आती है तो हम उसको सिर पे उठा लेंगे अगर आपकी बात हमारे काम में नहीं आती है और प्रेजेंट से रिलेट नहीं करती है तो हम आपको ठुकरा देंगे बहुत सिंपल सी बात है इसमें किसी तरह का कोई बात यहां पर होना नहीं चाहिए तो अब डियर फ्रेंड क्या हुआ ये जो ट्रेडिशनल परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत थे ये इसलिए होने लगे कि ये वर्तमान समय पर लागू ही नहीं हो रहे थे और नए जो थिंकर आ रहे थे क्योंकि अल्टीमेटली ये सब्जेक्ट सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है ये सब्जेक्ट हमारे जीवन को बदलने के लिए है ह्यूमन लाइफ को इंपैक्ट करने के लिए है अगर ह्यूमन लाइफ इंपैक्ट नहीं हुई तो आपके सब्जेक्ट के पढ़ने का और पढ़ाने का मतलब नहीं है समस्याएं कहां से शुरू हुई देखो मॉडर्न ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी को ही एक समय तक पॉलिटिकल थ्योरी कहा जाता था जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि जैसे ये दो फोन मेरे पास में है एक इमेजिन करना ये दो फोन मेरे पास में है मैंने एक ही फोन मेरे पास है तो मैं कहूंगा यार ये, ये मेरा मोबाइल है लेकिन जब मैंने दूसरा भी ले लिया तब मैं क्या कहूंगा ये मेरा नया मोबाइल है तो पुराना ये अपने आप पुराना हो गया दो क्लासिफिकेशन हो गए तो जिस सेकंड तक जिस समय तक केवल पॉलिटिकल थ्योरी का ट्रेडिशनल अप्रोच ही था यानी मॉडर्न अप्रोच जब तक नहीं आया था तब तक लोग एक ही बात बोलते थे जी पॉलिटिकल थ्योरी तो पॉलिटिकल थ्योरी का इंडायरेक्ट मतलब क्या था ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल तो तब तैयार हुआ ना जब मॉडर्न आया अब मेरी बात समझो तो ये ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी कैसे डेवलप हुई थी क्या मतलब क्यों इसको रिफ्यूट किया जाने लगा ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी पॉलिटिकल थ्योरी लागू नहीं होना प्लस दुनिया को 1914 से से 1918 उसके बाद में 1939 से 1945 ये जो दो झटके दुनिया को लगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के और सेकंड वर्ल्ड वॉर के तो लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि आ, सोचना शुरू कर दिया कि यार हमारा आखिर में होगा क्या कि ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट किसी काम के नहीं है वे मतलब कि स्टडी कर रहे हैं समस्या इनके पास इनको क्यों नहीं पता लगा अगर आप पॉलिटिकल को पॉलिटिकल साइंस कहते हो देन व्हाई वुडंट यू एक्चुअली व्हाई वुडंट यू प्रेडिक्ट द एक्चुअल एग्जैक्ट सिचुएशन कि भाई वॉर हो सकता है तो नुकसान होने लगा ना तो इसीलिए देखो ट्रेडिशनल का सबसे और मेनली अगर इसको झटका कहीं लगा तो 1945 में जब आपका आ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो बहुत सारे थिंकर्स ने बहुत सारी बातें कही कि भाई ये तो बर्बाद है इनका कुछ नहीं हो सकता और आप देखो इन्होंने कहा कि तुम ऐसे मुद्दों को पढ़ो ऐसे मुद्दों को लाओ जो हमारे काम के हों जिनसे हम कुछ मिले कुछ हमें मिले तो सही तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में सर कुछ न्यू इश्यूज उठ करके आए न्यू इश्यूज उठ करके आए और नए इश्यूज के आने के पहले कुछ थिंकर ऐसे रहे हैं सर जिसके अंदर से आ, मैं आपके सामने नाम में कुछ थिंकर के लूं तो आप जैसे कौन से थिंकर हो सकते हैं अभी आ, इसके सामने लियो स्ट्रॉस है पीटर लास्टलेट है लियो स्ट्रॉस एक बार बोलते लियो स्ट्रॉस का कमेंट मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो कहते हैं कि क्राइसिस इन पॉलिटिकल थ्योरी का आर्टिकल लिखा 1946 में क्राइसिस इन पॉलिटिक इसके बारे में बात मैं कल करूंगा डिटेल में इन पॉलिटिकल थ्योरी इसके अलावा आपके जो पीटर लैसलेट है पीटर बोलते हैं भाई राजनीतिक पॉलिटिकल हैज बीन डाइड उसकी तो मृत्यु हो चुकी है राजनीतिक दर्शन मर चुका है नहीं होता किसी के लिए जब बेटा निकम्मा हो और कुछ ना करे किसी काम का दुखी दुख दे बोले तुम ये बेटा मर गया मेरे लिए है ना तो पॉलिटिकल फिलोसफी किसी काम की नहीं हो रही थी कारण क्या था आप देखो कि लगभग 2000 साल के अगर पॉलिटिकल साइंस के मोटे मोटे 2000 साल के इतिहास को देखें दो तो हजार साल में इन एवरी लिखना इस फैक्ट को इन एवरी हंड्रेड इयर्स एक या दो पॉलिटिकल थ्योरीज पब्लिश होती थी यानी कोई ना कोई थिंकर आता था अपने विचार देता था मुद्दा यह है कि जे एस मिल के बाद 1970 तक जॉन रॉल्स के आने तक मुद्दा यह है 1970 तक पॉलिटिकल साइंस में कोई बड़ा पॉलिटिकल फिलोसोफर आया ही नहीं पॉलिटिकल थिंकर के नाम पे कोई आया ही नहीं तो इतने पुरानी जे एस मिल के बाद में जब कोई ना आया 1970 तक तो 70 तो आया ही नहीं था यहां तो बात 1945 की हो रही है तब लोग कहते थे कि पॉलिटिकल दर्शन की मृत्यु हो चुकी है राजनीतिक दर्शन तो मर चुका है राजनीतिक दर्शन का कोई अस्तित्व है ही नहीं ठीक है तो यहां पर नए मुद्दे कौन से आए अब न्यू इश्यूज नए मुद्दे देखो सर कितने अच्छे अच्छे मुद्दे आए जेंडर का इशू यानी लैंगिक मुद्दे लैंगिक मुद्दे हो गए एनवायरमेंटल यानी आपके कौन से इशू है सर पर्यावरण के मुद्दे हो गए इसके अलावा आपके डेवलपमेंट के इशू विकास विकास के मुद्दे हैं इसके अलावा एजुकेशन शिक्षा के नए मुद्दे सामने आए तो जो कुछ ऐसे इश्यूज थे जिनकी वाकई में समय के पास में रिक्वायरमेंट थी इसके अलावा ह्यूमन राइट्स तो जब ये और भी बहुत सारे मुद्दे हैं ईटीसी एक्सेट्रा ठीक है ये कोई मुद्दे खत्म नहीं हुए हैं ऐसे मुद्दे जब आए तब ट्रेडिशनल थॉट में तो कुछ था ही नहीं समस्याएं नई नई आ रही थी उपाय थे ही नहीं कोविड आ चुका था वैक्सीन था ही नहीं तो भैया पुराने दवाइयों को फेंको नई दवाई बनाओ तो पुरानी थ्योरियों की इज्जत घटी और यहीं से सर एक नई थ्योरी का जन्म होता है जिसे कहते हैं क्राइसिस इन पॉलिटिकल थ्योरी ठीक है तो जो क्राइसिस इन पॉलिटिकल थ्योरी आया पॉलिटिकल थ्योरी का अंत की जब बातें कही जाने लगी जिसमें डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी भी हम बोलते हैं उसके बाद में राइज ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी आता है इसमें क्या नॉर्मेटिव थ्योरी है इंपरिकल अनुभवात्मक और सैद्धांतिक में क्या क्या डिफरेंस है इन सब के बारे में बात करेंगे कल वाली क्लास में तो उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा तो डियर फ्रेंड्स अगर आप मेरे साथ में पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहते हैं NET, UGC, NET के लिए तो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ में आप लोगों के लिए पेपर वन प्लस पेपर टू अवेलेबल है पेपर वन की फीस है फाइव थाउजेंड पेपर टू की भी है फाइव थाउजेंड बट अगर आप कॉम्बो बैच में जाते हैं तो दोनों की फीस होती है नाइन थाउजेंड नाइन थाउजेंड फॉर वन ईयर बाकी जानकारी आपको चाहिए आप मुझसे बात कर सकते हैं आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर में दे रहा हूं डबल एट नाइन डबल जीरो नाइन फोर वन डबल जीरो मेरा ही नंबर है मेरे से बात सीधी हो जाएगी कोर्सेज मानस डमिक ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है चैट बॉक्स में भी दे दिया है आइए पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई कीजिए सिलेक्शन वाली ठीक है तो सिलेक्शन है तो सब कुछ है सिलेक्शन नहीं है तो कुछ भी नहीं है तो सिंपल ऐसा है कि आपको ये फील हो जाए कि हाँ जी हमने पॉलिटिकल साइंस को सीखा है पढ़ना नहीं है सीखिए आप खुद पढ़ाने के काबिल बनिए अगर आप पढ़ाने की स्थिति में आ गए चीजों को तो निश्चित रूप से मेरा पढ़ाना सार्थक है और आपका पढ़ना सार्थक है तो दोस्तों उम्मीद है Uh, कल फिर हम कल सुबह एक uh, नौ बजे एमसीक्यू सेशन है रात को आठ बजे फिर मिलेंगे और थैंक यू वेरी मच विपिन सिंह uh, वो कैसे पूछे आपसे गुड इवनिंग सर आपके लेक्चर में बहुत क्वेश्चन होते हैं विपिन सिंह आपके कॉन्टेक्ट कौन्ट, नंबर है ना व्हाट्सएप करो उस नंबर पे जो भी आपके सवाल हैं तो फिर भाई कल मुलाकात करेंगे आप लोगों से आठ बजे तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ गुड बाय और uh, जिनको कोर्स के रिलेटेड क्वेरी है नंबर आप लोगों तो, को हमने दे दिया है थैंक यू वेरी मच बाय